दोस्तों नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक एक क्लिक कर दीजिए प्लीज। दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों कई महीनों से पूरा देश कपिल शर्मा के टीवी पर वापसी का इंतजार कर रहा था और वो इंतजार आज यानी कि 25 मार्च को खत्म हो गया। सोनी चैनल पर कपिल का नया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा का टेलीकास्ट शुरू हो चुका है और इस बार कपिल शर्मा जहां पिछली बार की तरह जोरदार कॉमेडी लेकर आए हैं तो उसके साथ ही शो में हिस्सा लेने वाली फैमिलीज और ऑडियंस के लिए काफी सारे गिफ्ट भी लेकर आए हैं। इस शो पर जिन फैमिलीज को इन्वाइट किया जा रहा था ना दोस्तों, उनके तो मजे ही हैं। यानी कि एक तो पूरी फैमिली सहित टीवी पर आना, दूसरा कपिल शर्मा से मिलना और तीसरा बड़े से बड़े प्राइज जीतना, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। शो के 2 घंटे के पहले एपिसोड में कई फैमिलीज ने हिस्सा लिया और इस ग्रैंड एपिसोड में बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन शो के पहले गेस्ट बने और उन्होंने काफी मस्ती भी की। मे आई कम इन मैडम में साजन अग्रवाल की संजना मैडम यानी कि नेहा प्रिंसिप कपिल शर्मा के साथ शो को होस्ट कर रही हैं। दोस्तों भले ये गेम शो हो लेकिन कपिल शर्मा की कॉमेडी का अंदाज वही है। लेकिन खास बात क्या है, खास बात ये है कि इस बार फैमिलीज को आना है और ऑडियंस का प्राइज जीतने के लिए धमाल मचाना है। आइए जानते हैं क्या खास रहा इस शो में। टीवी और मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस नेहा प्रिंसिप कपिल शर्मा के साथ शो होस्ट कर रही थी। गेम्स वगैरह के रूल्स वही दर्शकों को समझा रही थी। नेहा प्रिंसिप एक टीवी शो मे आई कम इन मैडम से काफी पॉपुलर हुई थी। कपिल को कॉमेडी करने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए एक खूबसूरत एक्ट्रेस की तो जरूरत थी, तो नेहा प्रिंसिप वही कमी पूरी कर रही थी। कपिल के गेम शो में एक सेगमेंट है बॉल फेंकने का, मतलब ऑडियंस के ऊपर बॉल फेंकी जाएगी, जिसके हाथ में बॉल लगेगी उसी से सवाल पूछा जाएगा और सही जवाब देने वाले को गिफ्ट मिलेगा और अगर गलत दिया तो दोबारा बॉल को उछाल दिया जाएगा। दो लोगों ने इसमें बाजी मारी लेकिन बॉल के लिए खूब छीना झपटी हुई। जहां तक मुझे लगता है कि गेम का कोई ऐसा पार्ट जिसमें ऑडियंस के बीच छीना झपटी हो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली शो है और इसकी ऑडियंस में बच्चे और महिलाएं ज्यादा होते हैं। ऐसे में बॉल पकड़ने के लिए किसी को भी चोट लग सकती है। दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी पर सस्पेंस चल रहा था लेकिन उनकी वापसी हुई। कपिल ने उनकी चेयर नहीं लगवाई तो वो खुद ही अपनी चेयर मंगवाते हैं और उसी समय लगवाते भी हैं। उनकी ये एंट्री बड़े मजेदार ढंग से हुई। कीकू शारदा यानी कि बम्पर फिर से लौट आए हैं और उनकी एंट्री भी बड़े मजेदार रही, बहुत हंसाया उन्होंने। बताया कि 6 महीने से वो घर पर बैठे हैं और घर पर खाना तक नहीं खाया उन्होंने। चंदन प्रभाकर भी चंदू बनकर वापस आ गए हैं और उन्होंने भी हर बार की तरह कमाल की कॉमेडी की। दोस्तों इस बार शो में आने वाली ऑडियंस की तो लॉटरी लगने वाली है, मतलब दिल खोल के कपिल गिफ्ट दे रहे हैं। हारने वाली पहली टीम को डिनर सेट अच्छा नहीं लगा तो कपिल ने तुरंत उनको वॉशिंग मशीन दे दी। इस शो में आए एक बच्चे ने बताया कि घर पे मम्मी टीवी देखती है और पापा खाना बनाते हैं, तो इस पोल को खोलने के लिए कपिल ने बच्चे को मोबाइल गिफ्ट दे दिया। ऐसे ही किसी को कोई गिफ्ट टेम्पर, किसी को टैबलेट और भी कई लोगों को कई सारी चीजें मिली। दोस्तों शो में बैठी हुई जनता और पार्टिसिपेट करने वाली फैमिलीज के लिए बम्पर सवाल भी था, जिसे जीतने पर कार मिली। इसके लिए पर्ची निकाली गई। पहले जिस लड़की को मौका मिला उसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया कि कंप्यूटर में कौन कौन सी एक्सेसरीज लगाई जाती है। 5 नाम बताने थे लेकिन बेचारी की किस्मत खराब थी, 4 ही नाम बता पाई और टाइम अप हो गया। और दूसरी तरफ लुधियाना के रहने वाले एक भाई ने इसको जीत लिया। उससे 3 सवाल पूछे गए और तीनों सवाल के उसने 5 जवाब दे दिए, तो प्राइज में उसे डैटसन गो कार मिली और सवाल इतने आसान थे कि कोई भी जवाब दे दे। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि आपको कपिल के शो का पहला एपिसोड और शो का फॉर्मेट कितना पसंद आया, आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।